brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र, जिसे दूसरा चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, चुनाव हो गए यहां पर। वोटिंग का प्रतिशत 50%, पिछली बार से लगभग 4% यहां कम मतदान हुआ है। लेकिन इस बार चित्तौड़गढ़ का किला जीत कौन रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। परिणाम को लेकर अगर बात करें तो फिलहाल इस पूरे चुनाव के पैटर्न को देखें, चित्तौड़गढ़ का जो कहें या फिर औरंगाबाद कहें, यहाँ हुआ क्या है? यहाँ बीजेपी ने चौथी बार, एक बात कहें तो इन चार सीटों में से इकलौते ऐसे सांसद जिनकी परीक्षा हो रही थी औरंगाबाद की सीट पर, वो है सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह चुनावी मैदान में, राजपूत बाहुल क्षेत्र, ये यहाँ पर आरजेडी ने अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। दरअसल ये जातीय सर्वे आने के बाद एक नई गणित जो तेजस्वी यादव और लालू यादव रच रहे हैं, या एक तरीके से कहें जो जिस नए गणित के फॉर्मूले को, जातीय फॉर्मूले को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक कहें तो प्रयोगशाला औरंगाबाद भी रही। औरंगाबाद के लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा। यहां पर लगातार तीन बार सांसद रहे सुशील कुमार सिंह, अब चौथी बार वो चुनावी मैदान में। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया। वो लगातार क्षेत्र में मेहनत भी कर रहे थे, वहाँ कार्यकर्ता निकलकर बूथ तक भी पहुंचे, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम रहा। लेकिन बड़ी बात ये, पत्रकारों से हमने बात की, कई जनता से भी बात किए बूथ पर, और ये जानने की कोशिश की कि औरंगाबाद जीत कौन रहा है, किसका पल रहा फिलहाल औरंगाबाद में भारी है। जनता पिछले चुनाव की तरह इस बार वोकल नहीं है। जिस तरीके से पिछली बार जनता बीजेपी की सीट पर सीधे सीधे नाम ले रही थी, वो इस बार बचती हुई नजर आई। यानी कि जिस तरीके से हमने 2020 में भी देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव को लेकर जनता काफ़ी वोकल दिखी थी, वो लगातार बात कर रही थी, लेकिन इस बार ऐसा लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा। तो क्या ये माना जाए कि जनता ने जिसे वोट दिया है उसका नाम नहीं ले रही, या ये कुछ ऐसी जिसे कहते हैं कि अंडर करंट है जो फिलहाल दिख नहीं रहा? अगर ऐसा मामला है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो औरंगाबाद में भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर जिस जातीय समीकरण को तेजस्वी यादव साधने की कोशिश कर रहे हैं उसे साध लिया है तो मुश्किल इतनी बड़ी होगी कि शायद चौथी बार सांसद बन ना पाए सुशील कुमार सिंह। लेकिन बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि औरंगाबाद में 2019 का इतिहास दोहराया जा सकता है, यानी कि सुशील कुमार सिंह को एक मौका मिल सकता है फिर से लोकसभा में जाने का। अब इंतजार करना होगा परिणाम के दिन का, लेकिन बड़ी बात ये कि वोटिंग प्रतिशत का कम होना डराता जरूर है तमाम उम्मीदवारों को जिनकी साख चुनाव में लगी हुई है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।